Assalamu alaikum students, this is the second part of my lecture on academic writing, and in this lecture I'm going to discuss the types of academic writing. So before discussing the types of academic writing, I just want to revise you the definition of academic writing. As I told you in my previous lecture that academic writing is a genre of writing used in all academic fields. मैंने आपको बताया था that academic writing is a type of a genre of writing used in all academic fields. जो हमारी academic fields हैं, जो हमारी academic institutions हैं, वहाँ पे एक हमने एक format के through एक write करनी होती है, एक assignment लिखनी होती है, या कोई हमने रिसर्च पेपर लिखना होता है, रिसर्च प्रपोजल्स लिखने होते हैं, या आर्टिकल या पब्लिकेशन, कुछ भी जो हमें दिया जाता है एकेडमिक राइटिंग के अंडर लिखने के लिए विद सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, तो वो एकेडमिक राइटिंग कहलाता है. सो इट इज़ अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज्ड इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस. जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ दैट वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. तो ये एक फॉर्मल स्टाइल हो जाता है जिसमें हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हो, जिसमें हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती हो टू राइट एन एकेडमिक राइटिंग. सो ये एक फॉर्मल स्टाइल होता है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रेक डाउन ऑफ आइडियाज. जो हमारे जहन में बहुत ज़्यादा आइडियाज होते हैं, हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं, हम उनको नैरो डाउन करते हैं विद एसोसिएशन, उसकी अपने सब्जेक्ट्स के साथ निकालते हैं, उसका लिंक अपने सब्जेक्ट के साथ निकालते हैं, और वो आइडियाज हम जॉट डाउन करते हैं. सो विद द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन दैट डिपिक्ट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट. सो उसका पर्पस क्या होता है? टू इन्फॉर्म द रीडर, टू इन्फॉर्म द ऑडियंस विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट. जो भी टॉपिक हमें असाइन किया गया है, वो टॉपिक हम उसको एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर वे में, बहुत लॉजिकल वे में अपने ऑडियंस तक या अपने रीडर्स तक पहुंचाएं, ठीक है. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एकेडमिक राइटिंग, दैट इज एकेडमिक राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग आइडियाज इन अ रैशनल, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, रीजनेबल एंड लॉजिकल वे. और इसको हमने डिस्कस किया था, इस डेफिनेशन को, दैट एकेडमिक राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग आइडियाज, ठीक है. जो हमारे आइडियाज हैं, दैट शुड बी रैशनल बेस्ड ऑन रीजंस एंड ऑर्गेनाइज्ड, मीन दैट इट मस्ट बी कोहेरेंट इन अ सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टम में अरेंज किए हों. देन सिस्टमैटिक मीन्स दैट यू हैव टू फॉलो सर्टन मेथडोलॉजी इन राइटिंग दैट एकेडमिक नोट. एंड देन रीजनेबल मीन्स दैट you are having the sound judgment that should be fair, that should be sensible, and last but not the least, the logical way. And the logical way means that you should be clear in reasoning, and your clarity is must be based on reason, and it must be in philosophical way. So this is the academic writing basically, and the definitions and the clear view of academic writing. And I hope aapne previous lecture suna hoga aur usko samjha hoga as far as definition is concerned and other characteristics that we have discussed in first lecture. So let's move to the types of academic writing. So there are four main types of academic writing. इससे ज़्यादा भी हैं, बहुत सारे नोट्स में कहीं पे तीन हैं, कहीं पे चार हैं, but basically I'm going to discuss four main types of academic writing. The first one is descriptive academic writing, second is analytical academic writing, third is persuasive or argumentative academic writing, and fourth one is critical academic writing. और जिस सीक्वेंस से मैंने ये आपको टाइप्स बताई हैं, इसी सीक्वेंस से हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, और यही सीक्वेंस जो है ये इसका एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है.
पहले डिस्क्रिप्टिव है, देन एनालिटिकल है, देन ऑर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव, एंड देन फोर्थ वन इज क्रिटिकल एकेडमिक राइटिंग। तो हम इसको नेक्स्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव एकेडमिक राइटिंग। डिस्क्रिप्शन का वर्ड आप हमेशा यूज करते हैं या डिस्क्राइब का वर्ड आप यूज करते हैं, तो उसमें आप आपका मीनिंग ये होता है कि इसको एक्सप्लेन करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करो ताकि हमें समझ आए। ठीक है, कोई वर्ड है आप इसके कहते हैं ये टर्म है, इसको डिस्क्राइब करें, मीन्स इसको डिफाइन करें इन सिंपलेस्ट वे। तो डिस्क्रिप्शन अ गुड एकेडमिक राइटिंग और गुड डिस्क्रिप्शन इज लाइक द पिक्चर, सो द रीडर कैन इमेजिन द ऑब्जेक्ट। जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो इतनी ईजी हो, इतनी सिंपल हो कि जो रीडर है वो उस चीज को, उस टर्म को इमेजिन करना शुरू कर दे, कि उसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाए आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के, कि अच्छा आप ये चीज इस तरह से बता रहे हैं। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्टिव एकेडमिक राइटिंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग। इसमें आपकी क्रिटिकल थॉट्स, वर्ड चॉइसेस तो जाहिर है आपकी होंगी। ठीक है, आपके जो पॉइंट्स जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए वो आपकी आपने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं, बट यहाँ पे आपकी सिंपलेस्ट वे जो हो सकती है दैट इज लाइक आप किसी भी आर्टिकल की समरी लिख रहे हैं। ठीक है, किसी भी वर्क को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं सिंपलेस्ट वे कि आपका रीडर उसको इमेजिन कर सके। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट आप जो है उसको समराइज कर दें, उसको डिस्क्राइब कर दें, तो इस तरह की जो एग्जांपल्स होंगी तो उसमें आप डिस्क्रिप्टिव एकेडमिक राइटिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग, एंड द पर्पस इज टू प्रोवाइड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। जो फैक्ट है लाइक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, वो एक फैक्ट है, उसको आपने डिस्क्राइब करना है, या कोई आर्टिकल है उसकी समरी को आपने डिस्क्राइब करना है। सो द पर्पस इज टू प्रोवाइड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर प्योरली डिस्क्रिप्टिव असाइनमेंट इंक्लूड्स आइडेंटिफाई, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, समराइज एंड डिफाइन। तो जो आप एकेडमिक डिस्क्रिप्टिव एकेडमिक राइटिंग लिख रहे हैं उस डिस्क्रिप्शन में यू नीड टू आइडेंटिफाई, ठीक है, यू नीड टू रिपोर्ट, लाइक रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक रिपोर्ट बयान कर रहे हैं या किसी चीज़ का रिकॉर्ड दे रहे हैं या कोई चीज़ डिफाइन कर रहे हैं या कोई चीज़ समराइज कर रहे हैं। तो ये कुछ की वर्ड हैं, द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं दैट आर यूज इन डिस्क्रिप्टिव एकेडमिक राइटिंग। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग, एनालिटिकल एकेडमिक राइटिंग। सो मोस्ट ऑफ द एकेडमिक राइटिंग आर ऑल्सो एनालिटिकल, एंड यू कम विद द टर्म एनालिटिकल व्हेन योर टीचर सेज यू दैट योर असाइनमेंट और योर वर्क शुड बी एनालिटिकल। आपके टीचर आपको कहते हैं ना कि आपका वर्क, आपकी असाइनमेंट शुड बी एनालिटिकल, तो इट मीन्स दैट योर वर्क शुड बी ऑन फिलोसॉफिकल वे, ऑन और ऑन लॉजिकल वेज। ठीक है, खुद से बहुत सारी बातें क्रिएट की जाती है, फैब्रिकेट की जाती है स्टोरी, तो एनालिटिकल वे में आप एक फिलोसॉफिकल वे में बात करते हैं, लॉजिकल वे में बात करते हैं। सो एनालिटिकल राइटिंग्स इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स। मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था दैट ये फोर जो टाइप्स हैं, दीज फोर टाइप्स आर इन ऑर्डर, इन हायरार्कल ऑर्डर। तो ये एक दूसरे को, जो फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव दैट इज सिंपलेस्ट, बट एनालिटिकल इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्टेड कॉम्प्लेक्स एज फार एज डिस्क्रिप्टिव एकेडमिक राइटिंग इज कंसर्न। तो एनालिटिकल में यू नीड टू बी मोर फिलोसॉफिकल, मोर लॉजिकल देन डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, बट आपका जो वे रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा इसमें, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स टू रिकग्नाइज द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे यू नीड टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज ऑल योर मटीरियल दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, एंड द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर
analyze, compare, contrast, relate, and examine. This is the third type of academic writing, that is argumentative or persuasive. This is the third type, and as I told you that in most of the academic writing you are required to go at least one step further than analytical writing. ठीक है, ये first हमने क्या पढ़ा था, descriptive, second one is analytical and third is persuasive or argumentative. So ये third एक एक step आप फर्दर जाते हैं, इन डेप्थ में जाते हैं. ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्टिव में आपके पास सरफेस एक सरफेस लेवल था. ठीक है, आपने उसमें समरी देनी थी या कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी, तो वो एक डिस्क्रिप्टिव एकेडमिक राइटिंग थी. उसके बाद एनालिटिकल आ गई राइटिंग. एनालिटिकल में हमने डिस्कस किया इन लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल वे. ठीक है, एनालिटिकल जो होता है दैट इज बेस्ड, that academic writing that is based on logical and philosophical way. And now third one is persuasive or argumentative. तो ये बाकी दोनों टाइप से ज़्यादा deep, ज़्यादा philosophical, ज़्यादा fact based है. ठीक है, authentic में आप जिस तरह से एक report बनाए तो one, two और ये third number आता है. ठीक है, persuasive means to believe something through reasoning or to convince something. तो argument देना means you are convincing someone. आप अपने argument से, दलाइल से किसी को convince कर रहे हैं. And persuasive means to believe something through reasoning. To reason देके किसी को अपनी बात पे यकीन करवाना is persuasive. So persuasive writing has all features of analytical writing. Analytical का किस तरह से था, logical philosophical way जो था वो इसमें भी है. ठीक है, all features are the same as in analytical and in persuasive. And information plus recognize the information with addition of your own point of view. देखें, philosophical and logical way में you have the reasons के आपके पास जो facts हैं वो logical way में आप किसी को convince कर रहे हैं. जब आप किसी को persuade करेंगे, convince करेंगे, तो उसमें आप अपना argument भी देंगे ना. ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव में आप एनालिटिकल भी होंगे, प्लस यू हैव द इंफॉर्मेशन और व्यूज ऑफ योर ओन सेल्फ, अपने भी आपने उसमें जो व्यूज हैं वो शामिल करने हैं. सो टू इंड्यूस रीडर टू बिलीव इन राइटर्स ओपिनियन, आप उसमें मर्ज करेंगे अपना बिलीव भी जो कि राइटर्स ओपिनियन के साथ मैच करे. सो टू कन्विंस रीडर्स थ्रू अपीलिंग रीजंस, आपकी जो कन्विंसिंग पावर है इट शुड बी अपीलिंग, जो अपील करे उनको, उनको कन्विंस करे, उनको आपकी बात मानने पे उसके अलावा और कोई चारा ना हो. लाइक वो आपकी बात की कोई भी उसकी कोई और पहलू ना निकाल सकें, आपकी बात इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक हो, उनको अपील करे कि उनका दिल आए कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं. ठीक है, सो पर्सुएसिव राइटिंग हैज ऑल फीचर्स ऑफ एनालिटिकल राइटिंग दैट I have discussed. And then in academic writing, it include an argument, recommendation, interpretation of finding or evaluation of work of other. ठीक है, recommend किया जाता है, argue किया जाता है, recommend किया जाता है, interpretations of findings and evaluation of work of others. तो इसमें दूसरों का काम है, जैसे आप literature review में, ठीक है, आप पहले उसको एनालिटिकल व्यू में देखते हैं. ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट जो पहले आपसे पहले क्रिटिक्स ने दिए, आपसे पहले जिसने वो थीसिस किया उसके जो उसने आर्ग्यूमेंट दिए, आपने उनको इंडोर्स किया, अपने आर्ग्यूमेंट के साथ मैच किया, और फिर उसको अपने व्यूज के साथ मर्ज करके आपने अपनी एकेडमिक राइटिंग में लिखा. ठीक है, एंड इन पर्सुएसिव राइटिंग ईच क्लेम यू मेक need to be supported by some evidence, or when you are going to argue or present argue in academic writing, तो उसकी जो base है, उसकी support है, कोई evidence होता है जो दूसरों का काम होता है. ठीक है, so this is more in depth than descriptive and analytical. So the kinds of instruction of persuasive work are to argue, evaluate, discuss, or take a position.
right? This is the fourth type of academic writing, the critical academic writing. Critical academic writing is common for research, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, चाहे वो एडवांस्ड अंडर ग्रेजुएट राइटिंग का लेवल है, ठीक है. इन ऑल लेवल्स द कॉमन टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज क्रिटिकल एकेडमिक राइटिंग. द एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल एकेडमिक राइटिंग इज लिटरेचर रिव्यू. मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी है, द एग्जाम्पल इन आर डिसर्टेशन, इन आर थीसिस, द सेकेंड चैप्टर ऑफ That is of literature review. Literature review में you have to put the point of view of the previous critics, previous scholars, जो आपके specific work के साथ match करता हो, उससे पहले जितना काम हो चुका हो, you have to discuss their point of view before giving your own point of view or opinion in your own dissertation. ठीक है, पहले जब उसका डिस्कस करते हैं, आपसे पहले जो काम हुआ हुआ हो उस रिसर्च पे, उस रिसर्च टॉपिक पे, उस डिसर्टेशन के टाइटल पे, तो आप पहले वो डिस्कस करते हैं. सो क्रिटिकल एकेडमिक राइटिंग आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द रिसर्च. ठीक है, आप उनको एज इट इज उनकी स्ट्रेंथ, उनका वीकनेस, जो उनका पॉइंट है, यू हैव टू एड और एक्सेप्ट their point of view before writing your own dissertation. ठीक है, so आप इसको ऐसे समझें कि you need to accept the strength and weakness and you need to give importance to the both sides of picture. ठीक है, उसका positive और negative, उसकी strength और उसका weakness, you have to critically evaluate both sides. Fine. And the kinds of instructions for critical writing includes critique, debate, disagree, evaluate. ठीक है, evaluation में you form an idea about anything. ठीक है, उसको आप एक चीज को evaluate करते हैं, उसकी assessment करते हैं, उसको measure करते हैं. ठीक है, a disagree means that you have to put your own opinion or disagree. It doesn't mean कि आप एक एक point से बिल्कुल ही disagree करें. ठीक है, आप उस point को accept करते हुए अपना point जो देंगे, ये उस sense में disagree है. ठीक है, and debate again, जिस तरह से हमने third point discuss किया, that you have to evaluate the strength and weakness, the both sides of any research, and then critique. And critique is a detailed analysis and assessment of something, especially a literary or philosophical or political theory. So critique mein you have to analyze the work. ठीक है, analysis of any work is like the critique, and you have to evaluate in a detailed and analytical way. Fine. So this is it with critical academic writing. Students, in this short lecture, I have just described you what is academic writing, and I have discussed its four types. So this is not a very lengthy lecture, so I recommend you to listen this lecture at least twice time.